हेलो फ्रेंड्स, आज से क्वेश्चन है। एक टावर है जिसके ऊपर 6 मीटर का एक पोल लगा हुआ है। एक पॉइंट पी है जिससे कि इस के टॉप का एलिवेशन देखा जाता है, तो 60 डिग्री एंगल बनता है। और टावर का टॉप जो यहाँ पर है, इससे इसका डिप्रेशन देखा जाता है इस पॉइंट पी का, तो 45 डिग्री का एंगल बनता है। तो आपको यह टावर की हाइट एच और यह इस पी का डिस्टेंस ए बताना है। हमने दो ट्राइंगल ले लिए हैं, एक ट्राइंगल पी बी सी, दिस इज़ पी बी सी, ये ट्राइंगल जिसमें 45 डिग्री का एंगल है। तो 10 45 इक्वल्स टू इस ट्राइंगल में हो जाएगा एच अपॉन ए, दिस इज एच, दिस इज बेस, और यहाँ से निकल आएगा ए इक्वल्स टू एच। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, वो रख दी गई है। आप दूसरे ट्राइंगल में देखेंगे, ट्राइंगल ए पी सी में, तो ए पी सी में 10 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री, और इसका भी यहाँ पर एच अपॉन यानी हाइट अपॉन बेस लेना है। तो हाइट क्या है इसकी, या परपेंडिकुलर क्या है, 6 + h, ये हो गया h प्लस 6 अपॉन a। अब h चूंकि यहाँ पर a के इक्वली है, तो हमने h की जगह भी a रख दिया है। ये a यहाँ चला गया a√3, h की जगह पे हमारा आ गया a, इस ये a इधर जाकर माइनस में चला गया, जिससे कि यहाँ पर a कॉमन हुआ और √3 - 1 आ गया, और फिर ये 6 में ये √3 - 1 डिवाइड में आ गया। अब चूंकि इसको रिलेशनाइज करना होगा, तो हमने √3 + 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे कि 6, जिससे कि ये √3 का स्क्वायर 3 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, दोनों को माइनस करने पर ये 2 आ गया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ रूल लग जाता है। 2 3 6 हो गए, ये 3 हो गया, 3 √3 + 1। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू रख दी गई है 1.732, और यहाँ से वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ गई है 8.196 मीटर। ए और एच चूँकि दोनों इक्वल हैं यहाँ पर, इसलिए एच की भी वही वैल्यू होगी जो ए की आई है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।